हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से आ गए हैं प्लेनेट क्राफ्टर खेलने के लिए। सो आप अभी सोच रहे होंगे कि हम लोग अभी है कहाँ पे, तो हम लोग है अभी हमारे नए बेस पे। यस गाइस, हमने लाइव स्ट्रीम में, पिछली वाली लाइव स्ट्रीम में हमने हमारे पूरे बेस को नए से कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि काफी ज्यादा अभी प्यारा लग रहा है गाइस हमारा बेस। सो एक मिनट में आपको यहां से नहीं दिख रहा, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। ये है हमारा नया बेस। अगर आपको वो पूरा चीज देखना है कि हमने किस तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया, तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग लाइव स्ट्रीम देख के आए इसकी लास्ट में, जहां पे हमने ये पूरा का पूरा चीज बनाया था। सो यस, ये हमारा नया बेस है। मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ ये बेस में हमने कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। सो यहाँ पे हमने पूरा जो हमारा क्राफ्टिंग टेबल वगैरह है, वो सारी चीजें और स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओपन ग्लास वाला वॉल बनाया है, जिससे हम लोग को पूरा व्यू मिल सके। सेम चीज हमने यहाँ पे भी की हुई है। यहाँ पे अभी तक हमने सोचा नहीं है हम लोग क्या चीज करेंगे, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे एक स्टेयर है, जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये आ जाएगा हमारा बायोडोम लेवल 2 का, और एक के बाद एक, मतलब मैंने दो बायोडोम यहाँ पे बनाए हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेंगे हमारे O2 बढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो ये बायोडोम का पूरा लेबोरेटरी है, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि स्टोरेज कहाँ पे है, तो स्टोरेज के लिए हमने पूरा एक नया सेक्शन बनाया है। सो ये रहा हमारा नया सेक्शन, राइट। सो यहाँ पे हमने हमारा खाना वाना सब यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद स्टोरेज भी हमने यहाँ पे रख दिया है, ताकि सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे एक और स्टेयर लगाइए, जिसका रास्ता यहाँ पे निकलता है हमारा क्राफ्टिंग टेबल के रूम पे। हमने कुछ इस तरीके से गाइज मैनेज किया है। सो अभी गाइज, आज हम लोग इससे आगे हमारी जर्नी को बढ़ाने वाले हैं। और हमारा भाई, ये ना दो चीज ओपन हो चुकी है, ट्री स्प्रेडर ओपन हो चुका है और इंक्यूबेटर भी ओपन हो चुका है। तो ट्री स्प्रेडर करेगा क्या, वो थोड़ा सा देखते हैं। सो ये बेसिकली हेल्प करेगा हमें ट्रीज ग्रो करने के लिए। और इससे याद आया भाई, यहाँ पे हमारे ट्रीज ग्रो होना भी स्टार्ट हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस, एक बार ना हम लोग वहां पे जाके देख के आना चाहते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। भाई ये हमारे प्लेनेट के फर्स्ट ट्रीज है। ओ बॉय साहब, वाओ, दिस इज लुकिंग सो गुड, वाओ। सो यहाँ पे भाई अभी ट्री भी आने लगे हैं, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई। अभी यहाँ पे ना ये सारे ट्रीज तो ग्रो होने वाले हैं, बट हम लोग पानी के ऊपर भी हमारे हिसाब से ट्रीज ग्रो करने वाले हैं, जिसके लिए हमने ट्री स्प्रेडर जो है वो लिया हुआ है। तो क्यों ना हम लोग ट्री स्प्रेडर हम लोग सबसे पहले लगा दें। एक मिनट, उसके लिए हमें चाहिए क्या है, तो सुपर एलॉय बैक्टीरिया सैंपल, ठीक है। बैक्टीरिया सैंपल हमारे पास है कि नहीं, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो भी चीजें हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेके आते हैं। ओके, सो हमें लेना है सुपर एलॉय, तो एक सुपर एलॉय यहाँ से ले लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर आई थिंक यहाँ पे तो रखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, फर्टिलाइजर हमें बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो हम लोग बना देंगे। उसके बाद क्या चाहिए, बैक्टीरिया सैंपल, ट्री बार्क, यस ट्री बार्क, और ये नगेट। सो ट्री बार्क हमने कहाँ पे रखा हुआ था, ये रहा ट्री बार्क। सो एक ट्री बार्क यहाँ से ले लेते हैं, और आई थिंक बैक्टीरिया सैंपल और फर्टिलाइजर। ओके, सो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ना, वो हम लोग यहाँ से देख के आते हैं। तो चलते हैं यहाँ से हमारे क्राफ्टिंग एरिया में। एक मिनट, क्राफ्टिंग एरिया में नहीं, हमें जाना पड़ेगा ऊपर हमारी लेबोरेटरी में। सो लेबोरेटरी में चलते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए हमें 3 एल्गी और 3 वाटर बॉटल, ठीक है। और इसके लिए 3 एल्गी चाहिए, 2 एग प्लांट और 1 सल्फर, ठीक है। सो 2 एग प्लांट और सल्फर, सो 2 एग प्लांट तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, यस ये रहे 2 एग प्लांट और 1 सल्फर। सो सल्फर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ओके गुड। और हमें एल्गी लेनी है, सो एक काम करते हैं, मैं 9 ले लेता हूँ टोटल एल्गी, 9 एल्गी ले ली हमने। उसके बाद वाटर बॉटल तो हमारे पास ऑलरेडी है, यस एक मिनट, एक वाटर बॉटल हमें लेनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से 3 वाटर बॉटल मैं ले ही लेता हूँ। सो 1 2 3, ठीक है, आ जाओ गाइस, चलो वी हैव एवरीथिंग, चलते हैं अभी हमारी चीज़ें क्राफ्ट करने के लिए, आ जाओ गाइस। सो सबसे पहले क्राफ्ट करते हैं बैक्टीरिया सैंपल, उसके बाद बनाते हैं एक फर्टिलाइजर। ओके, सो हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, जिससे हम लोग हमारा ट्री स्प्रेडर लगा पाएंगे पहला वाला।
सो ट्री स्प्रेडर लगाए कहाँ? वो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना गाइस, यहाँ ना पीछे की ओर कहीं पे लगाना चाहिए, ये नहीं, यहाँ पे लगाते हैं। आ जाओ, आई थिंक आ जाओ। ट्री स्प्रेडर हमने पहला लगा दिया है यहाँ पे। और एक मिनट, यहाँ पे क्या हमें कुछ सीड, यस, एक सीड लगाना पड़ेगा ना। ये सीड कौन सा लगेगा? ओके, सो आई थिंक ये वाला, ये जो ट्री सीड है ये हमें लेना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं और चलते हैं। और आई थिंक यही वाला लगेगा यार। और तो कोई चीज़ नहीं ओपन हुई नहीं है जो कि लग सकती है, तो कोई बात नहीं। आ जाओ, यहाँ पे चलते हैं और इसको लगा देते हैं। नाइस, ओके। सो भाई यहाँ से काम स्टार्ट हो चुका होगा, होपफुली यस। थोड़ी देर के बाद आएंगे देखने के लिए कि कितना यहाँ पे हुआ। अच्छा ओके, मुझे लगा ये सुपर एलॉय है क्या। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और लेट्स सी यहाँ पे और कौन सी चीज, इंक्यूबेटर। सो ये भाई इंक्यूबेटर ना नया इंसेक्ट्स बनाने के लिए काम आएगा, क्या एग्जैक्टली करेगा मुझे पता नहीं है। ट्री पार्क लेते हैं, ठीक है। एक T2 लेवल का फर्टिलाइजर लेते हैं, एक सुपर एलॉय लेते हैं और एक ऑक्सीजन कैप्सूल लेते हैं। ओके, अभी इंक्यूबेटर ना आई थिंक मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि बड़ा वाला लग रहा है। यस, ये काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको ना मैं लगाता हूँ यहाँ पे। ओके, और ये काम किस तरीके से करेगा? ओपन और शो DNA। एक मिनट, शो DNA में क्या है? ये बी लार्वा, ठीक है। ये बी लार्वा बनाने के लिए हमें ये तीन चीजें चाहिए। ओके, DNA रेसिपीज है, ये इंक्यूबेटर, ये रिसर्च करेगा। बट क्या चीज यार, एक मिनट, हमने गाइस जब ये स्ट्रीम की थी ना तब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे गिरी हुई थी। एक मिनट, ये रहा ना, रुको, कॉमन लार्वा, आ जाओ, कॉमन लार्वा ले लेते हैं। और ये भी कॉमन लार्वा है। और ये क्या, नई चीज़ तो नहीं दिख रही है, और कोई चीज़ तो नहीं है। नोप, आ जाओ भाई, इसे काम करते हैं। ये कॉमन लार्वा ले लेते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे चलते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ हो पाएगा। सो ये दो मैंने यहाँ पे रख दिया, रिसर्च करते हैं। अच्छा, ओके। सो हम लोग यहाँ पर रिसर्च कर पाएंगे। सो इसके लिए अनकॉमन लार्वा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। कॉमन लार्वा हमारे पास पड़ा हुआ है, म्यूटेजन और फर्टिलाइजर। भाई म्यूटेजन हमें यहाँ से हम लोग कर पाए। भाई किधर है म्यूटेजन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? म्यूटेजन के लिए चाहिए सिंपल बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया सैंपल, ठीक है। पानी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद सल्फर और ये एक रॉड, जो मिथाइल या कौन सा रॉड है। एक काम कर लेते हैं, पानी ना मैं फटाफट से यहाँ से लेके आता हूँ क्योंकि वाई नॉट। आ जाओ, यहाँ से बैक्टीरिया हमारा बन जाएगा। ओके, बैक्टीरिया तो बन गया। उसके बाद यहाँ से एक ये सारे का सारा यहाँ से उठा लो। एक चाहिए हमें सल्फर, तो सल्फर हमें मिल जाएगा यहाँ से। ओके, आई थिंक दिस शुड बी गुड, है ना। आ जाओ, चलते हैं ऊपर की ओर और यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बैक्टीरिया सैंपल पहले बनाएंगे, उसके बाद म्यूटेजन बना देंगे और एक फर्टिलाइज़र लेवल 1। तो एल्गी और भाई एल्गी वगैरह चाहिए रहेगा, फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो अभी हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ चुकी है जो कि रिक्वायर्ड है ये रिसर्च करने के लिए। लेट्स सी यहाँ पे और क्या चीज़, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हैं, तो भाई यहाँ पे ये रिसर्च करने रख देता हूँ। ओके, सो हमें कॉमन लार्वा एक रखना है। सो कॉमन लार्वा यहाँ पे आ जाएगा, ये एक आ जाएगा और एक म्यूटेजन आ जाएगा। करते हैं रिसर्च गाइस, आ जाओ। ओके, सो 3% रिसर्च हो चुकी है। और उसके बाद एक मिनट, ये देखो भाई, वाओ, यहाँ पे भाई पूरा रिसर्च होगा जिससे हम लोग यहाँ से, मतलब एक ये नया वाला जो है ना, ये नया वाला लार्वा ओपन हो जाएगा और रेयर लार्वा, ये सारी चीज़ें तो हमें मिलेगी ना, उसके बाद ही हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। बट भाई ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है गाइस। सो अभी तक आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो भाई वीडियो को गाइस लाइक कर दिया करो यार, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम प्लेज में लेके आया करता हूँ। और यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट्स 55% पे हो चुका है, विच इज अ गुड थिंग। और यहाँ पे 7 पे होगा वाटर फिल्टर, अलाउज यू टू ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम लेक्स।
वाओ दिस इज गुड। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं। और एक मिनट ब्रो, भाई यहाँ पे बटरफ्लाईज आ चुकी है। वाओ दिस इज सो गुड गाइस। एक मिनट, तो यहाँ पे वो रिसर्च, यस ये रिसर्च हो चुकी है। और ये क्या है, 175% मल्टीप्लायर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है एक मिनट, ये यहाँ पे ले लेते हैं। और एक मिनट, यहाँ पे और कोई चीज का रिसर्च कर सकते हैं? नहीं, और कोई चीज का रिसर्च नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं ये चीज यहाँ पे छोड़ दूँ क्या? एक मिनट रुको, ये इन्वेंटरी में से क्या मैं यहाँ पे छोड़ दूँ ये? तो ये करेगा क्या? हेलो, एक मिनट, ये काम कैसे करेगा ब्रो? अच्छा एक मिनट रुको, इसको मैं अंदर यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा सो ये आई थिंक मल्टीप्लाई करेगा ये सारी चीज़ों को। यार ये गाइस मुझे पता नहीं चल रहा यार ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो अगर गाइस किसी को भी पता है कि ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताना। और यहाँ पे देख के आते हैं इसका क्या सीन है। और यहाँ पे हमारे ट्रीज भी आ चुके हैं। वाओ दिस इज लुकिंग सो गुड गाइस। सो भाई अभी हमारे प्लेनेट की पूरी शक्ल बदलने वाली है। सो भाई अभी ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई हमारा प्लेनेट अब तो। भाई अगर आपको पता हो कि हम लोग कौन सी कंडीशन में यहाँ पे आए थे, अगर कोई ऐसा हो ये सीरीज को फर्स्ट एपिसोड से इसने फॉलो किया है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि भाई हमने ये फर्स्ट एपिसोड से देखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो ठीक है गाइस, अभी इसके आगे हम लोग आगे के एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।